प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार का दोहरा चरित्र है। जो दिखता है वह वास्तविकता में होता नहीं है। उक्त बातें युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने सोमवार को गत दिनों सीवर सफाई के दौरान मृत सफाई कर्मी के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार गरीबों के हितों की हिमायती होने का दावा करती है, वहीं जब सच में गरीबों के मदद करने की बात आती है तो बात एकदम उल्टा साबित होती है। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि सीवर सफाई के दौरान मृत सफाई कर्मी के परिजनों को जो चेक दिया गया उस खाते में पैसा ही नहीं है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार डबल चरित्र भी रखती है, जो मीडिया और दिखावा करने के लिए अलग होती है और वास्तविकता में अलग होती है। जनता को भी अब समझ आने लगा है डबल इंजन सरकार का दोहरा चरित्र। विकास सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, साथ ही उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है और बच्चों के पढ़ाई लिखाई व भरण पोषण के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पीड़ित परिवार को उचित क्षतिपूर्ति नहीं देता है तो युवा कांग्रेस इसको लेकर व्यापक आंदोलन करेगा। लोग उनके परिवार से मिलने आए हैं, ढाढ़स बंधाया है और प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से यह मांग करते हैं कि उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके, अपने बच्चों को, अपने चारों बच्चों का पठन पाठन की प्रक्रिया संपन्न करा सके और वो अपने परिवार को चला सके। ये मेरी मांग है।